आखिर छलक ही गया हार्दिक पांड्या का दर्द। चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में भारतीय टीम को मिली हार के बाद हार्दिक ने कही अपने दिल की बात। जी हां, मैच के बाद जिस तरह हार्दिक ने अपने दर्द को एक डिलीटेड ट्वीट में व्यक्त किया, उसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। फाइनल में जिस तरह से हार्दिक ने पाकिस्तानी गेंदबाजों की हवा निकाल दी थी, वो लोगों के जहन में अब भी ताजा होगा। एक तरफ जहां पूरी इंडियन टीम पाकिस्तान की इनएक्सपीरियंस्ड बॉलिंग के आगे रेत के किले की तरह ढहती जा रही थी, वहीं हार्दिक का बल्ला उस दिन आग उगलता दिखाई दिया। महज 43 गेंदों में 76 रन की यादगार पारी खेलने वाले हार्दिक को जब जडेजा की गलती की वजह से अपना विकेट गंवाना पड़ा तो वे बेहद निराश हुए। उम्मीद की किरण बन के आए हार्दिक जब पवेलियन की तरफ आउट होके लौटे तो उनके चेहरे पर नाकामी और झुंझलाहट में छिपे दर्द को फैंस आसानी से पढ़ सकते थे, लेकिन वो दर्द हार्दिक अपने हृदय में बहुत देर तक नहीं छिपा पाए। मैच के खत्म होने के बाद वो देर रात तक उस ना भूलने वाली हार के बारे में सोचते रहे और फिर इंग्लैंड टाइम के अनुसार रात के 3 बजे उन्होंने अपने फैंस के नाम एक ट्वीट किया। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था। जी हां, इस ट्वीट में हार्दिक ने किसे गैर कहा है उसे तो आप भी समझ गए होंगे, लेकिन हार्दिक ने इस ट्वीट में जो भी कहा वो उनके दिमाग से नहीं दिल से निकली हुई बात थी। शायद यही वजह थी कि हार्दिक ने किसी भी कंट्रोवर्सी से बचने के लिए इस ट्वीट को फौरन डिलीट कर दिया। इसमें कोई शक नहीं कि चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान के हाथों मिली शिकस्त इंडियन टीम के लिए किसी नासूर की तरह है, लेकिन इस नाकामी के बीच भारतीय टीम ने पाया हार्दिक पांड्या जैसा अनमोल मैच विनर, जो कि आने वाले वक्त में किसी भी प्रेशर वाले सिचुएशन में अपने टीम के सबसे मजबूत पिलर बनने का एक अनूठा कौशल रखते हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको हार्दिक पांड्या के डिलीटेड ट्वीट पर ये लेटेस्ट अपडेट? नीचे दिए कमेंट सेक्शन में लिख के हमें जरूर बताएं और हाँ, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए एमटी माइंड्स को।